Hello guys, welcome to my channel. Today we will learn still life study. चलिए start करते हैं still life painting. तो सबसे पहले हमें still life sketching करनी होगी. जैसा कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि मैं कैसे draw कर रहा हूँ. कोई भी drawing हम लोग up से down और left से right की ओर sketch करेंगे. स्केच करने के लिए हम लोग 2B पेंसिल का यूज़ करेंगे. ये लाइट एंड सॉफ्ट पेंसिल होती है और आसानी से इरेज भी हो जाती है. दो रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है. ड्रॉ करने के लिए हमें कोई भी ज्योमेट्री इंस्ट्रूमेंट का यूज़ नहीं करना है. हमें फ्री हैंड स्केच करना है. हमारी दो रेक्टेंगल शेप कंप्लीट हो चुकी है. अब इसे हम रफ लाइन को इरेज कर लेंगे. अब हमें दो बुक्स ड्रॉ करनी है. तो सबसे पहले एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करेंगे. उसके बाद दो थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे और इस तरह से हमें बुक को ड्रॉ करनी है. बुक हमारी राइट साइड व्यू में है, इसलिए हमें थोड़ी तिरछी लाइन ड्रॉ करनी है. बुक मैं राइट साइड व्यू से ड्रॉ कर रहा हूँ, इसलिए राइट पार्ट थोड़ी सी दिखेगी. हमारी स्केच कंप्लीट हो चुकी है. अब हमें इसे कलर करना है. तो सबसे पहले हम इसे येलो कलर से कलर करेंगे. जैसा कि देख सकते हैं आप, पेंटिंग की लाइट सोर्स लेफ्ट साइड से आ रही है, तो हमें लेफ्ट साइड थोड़ी लाइट रखनी है. हमें राइट व्यू से इसे सेट करनी है. राइट साइड डार्क करेंगे और लेफ्ट साइड थोड़ी लाइट रखेंगे, क्योंकि लाइट की जो रोशनी है वो सीधे बॉक्स पे और लेफ्ट साइड ही आ रही है. तो इसे हमें हाईलाइट करना है, तो हम इसे येलो ही छोड़ देंगे. अब हमें ऑरेंज कलर से, मैं इसमें लाइट ऑरेंज पहले यूज़ किया हूँ, पहले लाइट करेंगे उसके बाद डार्क ऑरेंज का यूज़ करेंगे. हमें राइट साइड में थोड़ी डार्क रखनी है. मीडियम का यूज़ करेंगे. तो हमें ये प्रोसेस याद रखना है कि हमें लाइट से डार्क सेट या कलरिंग करेंगे. बॉक्स की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है. अब हमें बुक्स पे कलर करना है. बुक्स में भी हम पहले येलो कलर का यूज़ करेंगे, उसके बाद ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे. मैं इसमें लेमन येलो का यूज़ कर रहा हूँ. इसके बाद लाइट ग्रीन कलर का यूज़ करेंगे.
डार्क ग्रीन का यूज़ लाइट ग्रीन के बाद हमें करनी है, क्योंकि मैंने आपको प्रोसेस पहले बताया कि हमें कोई भी कलर लाइट से डार्क की ओर करेंगे। सेकेंड बुक हमारी ब्लू कलर की है, तो हमें कोबाल्ट ब्लू का यूज़ करना है। उसके बाद डार्क करने के लिए हमें पर्शियन ब्लू का यूज़ करना है। कोई भी चीज़ अगर कहीं रखी हुई है उसका शेडो आना निश्चित है, तो हम कोई भी ड्राइंग करेंगे तो उसका शेडो ज़रूर देंगे। तो शेडो में मैंने येलो कलर का यूज़ किया है। सबसे पहले लेमन येलो यूज़ किया, उसके बाद लाइट ऑरेंज, फिर डार्क ऑरेंज। अब हमें स्केच पेन से पूरी ड्राइंग को आउटलाइन कर लेंगे। आई होप इस ड्राइंग की पूरी प्रोसेस आपको समझ आई हो। आशा करता हूँ आप इसे ड्रॉ अवश्य करेंगे।